हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फिर से लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है। UCMS DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच है UCMS, उसके तहत आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है। तो हम लोग बात करेंगे सारे पोस्ट के डिटेल्स के ऊपर कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, एग्जाम पैटर्न। तो आगे हम लोग इस पोस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप सी का मिनिस्ट्रियल वैकेंसी आपका रहने वाला है, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अगर आप भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम पैटर्न डाउनलोड करके देखना चाहते हो, दोनों चीजें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए और जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। फिलहाल देखते हैं कि UCMS होता क्या है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी UCMS, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी जो DU है ना, उसका एक ब्रांच है, डिपार्टमेंट है। तो जैसे कि मेडिकल कॉलेज होता है ना, वैसे ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। इसके अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भर्ती आई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है ना, उनके लिए 9 यानी 9 सीट रहेगा। OBC के लिए 8 यानी कि 8, EWS के लिए 3 और SC के लिए 4 रहेगा। जो ST है, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट है, उनके लिए 2 पोस्ट है। और हाँ, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए भी इसमें पोस्ट निकल के आई है। टोटल 6 यानी 6 पद रहेगा। ओवरऑल बात करेंगे सबको कंबाइन करके, तो आपका 29 सीट के लिए भर्ती आई है, ठीक है। जिसके लिए अप्लाई करने का जो डेट है 18 सितंबर से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब 18th ऑफ सितंबर से ऑनलाइन हो रहा है। एंड लास्ट डेट टू अप्लाई विल आपका 9 अक्टूबर रहेगा, मतलब कि आपका 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन होगा। लेकिन आपको 9 अक्टूबर तक इंतजार नहीं करना है, जितना जल्दी हो सके अगर आप इंटरेस्टेड हो, इलिजिबल हो, तो फॉर्म अप्लाई कर दो, ताकि बाद में जब सर्वर इशू हो तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म की जो फी रहेगी ना, जनरल OBC और EWS से 500 यानी 500 रुपया लिया जाएगा। वहीं पर जो SC ST कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है और फीमेल कैंडिडेट, इनका फी होता है एग्जेम्प्टेड, मतलब इनसे कोई फी चार्ज नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं एज लिमिट यानी उम्र सीमा के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कट ऑफ डेट क्या है। तो जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट यानी अंतिम तिथि है ना, वही कट ऑफ डेट है। 9 अक्टूबर 2024 के अनुसार आपका उम्र सीमा का गणना किया जाएगा। तो एज ऑन 9th ऑफ अक्टूबर 2024 आपका एज 18 to 27 years, मतलब 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 years का, SC ST को 5 years यानी 5 साल का, और जो फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है उनको मिलता है 10 यानी 10 year का। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर, किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या होता है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, सिंपली जिन्होंने 12th पास कर रखा है आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर परसेंटेज, बस आप पास हो 12th यानी इंटर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अब आपको जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आई है, तो आपके पास जो है टाइपिंग का नॉलेज एकदम होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं कि इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका 4 stage सिलेक्शन होगा। Paper 1, Paper 2, फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद DV और मेडिकल होगा। Paper 1 जो होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद आपका Paper 2 होता है एसे राइटिंग का। थर्ड आपका स्किल टेस्ट, टाइपिंग का टेस्ट होगा। फोर्थ में आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी और आपका मेडिकल जाँच होगा, ठीक है। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो पहले जानेंगे Paper 1 के बारे में, जो कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। देखिए 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है 200 मार्क्स के लिए, मतलब 200 प्रश्न 200 नंबर के लिए। समय रहेगा 3 hours यानी कि 3 घंटे का, और निगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.25 की निगेटिव मार्किंग हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज बात करें अगर,
तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, रीजनिंग के 50 यानी 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 50 यानी 50 क्वेश्चन, लास्टली लैंग्वेज टेस्ट होगा आपका, मतलब हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी सब्जेक्ट आपको आता हो उससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए। तो ये है आपका पेपर वन का एग्जाम पैटर्न। पेपर वन में क्वालिफाई होते ही आपको बुलाया जाएगा पेपर टू के लिए, जो कि एसे राइटिंग का होता है। 1 घंटे का एग्जाम होता है, इसमें 100 मार्क्स का रहता है आपका एसे लिखना, एसे कंप्रिहेंशन और लेटर राइटिंग का आपका टेस्ट होगा 100 मार्क्स के लिए। टाइम आपका 1 आवर का होगा। तो फिर जब पेपर टू में आप क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट में आपका सिंपली टाइपिंग टेस्ट होता है 10 मिनट्स के लिए, यानी 10 मिनट की ये परीक्षा होती है। अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट देते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए कम से कम। ज़्यादा जितना रहेगा तो आपके लिए बढ़िया है कि आप और अच्छा करके आओगे, वहाँ पे एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हिंदी से है तो 30 वर्ड्स यानी 30 वर्ड पर मिनट्स का कम से कम स्पीड आपका होना चाहिए, तभी क्वालिफाई कर पाओगे। तो स्किल टेस्ट में पास होने के बाद देन आपको बुलाया जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए। उसके साथ ही साथ आपका सिंपल सा मेडिकल टेस्ट भी होता है। तो जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तब आपको भेजा जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर, फिर आप ज्वाइन कर लोगे। तो आपका जॉब लोकेशन क्या रहेगा, एज यू ऑल नो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ये UCMS सिचुएटेड है दिलसाद गार्डन दिल्ली के अंतर्गत, तो आपका जॉब लोकेशन वहीं पर रहेगा। जहाँ पे कॉलेज सिचुएटेड है वहीं पे जाके आपको जॉब करना होगा ना। तो फिर ये है आपका जॉब लोकेशन। आप सर्विस के ड्यूरेशन में कुछ सैलरी भी दी जाती है आपको, तो इसके लिए ना लेवल 2 की सैलरी मिलती है। इन स्टार्टिंग यू विल गेट 19,900 एंड आफ्टर पर्क्स एंड अलाउंसेस पर ईयर की इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 63,200 हो जाती है। देखिए ये होती है सैलरी नोटिफिकेशन में दिखाने वाली, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करोगे ना एक्चुअली में आपको 25,000 से 30,000 रुपए मिलेंगे, बाद में बढ़ते बढ़ते आपका 85,000 से 90,000 हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें, फॉर्म अप्लाई करें, तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर ले और इस बार एक अपना सीट आप अचीव कर ले। आई होप कि इस पोस्ट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल गए होंगे। अब भी कोई डाउट्स है, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।